हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आधारा। 18 एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट इन 800 मीटर क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस। ओके, आज हम आपको बताएंगे दोस्तों स्टैंड ट्रेनिंग के बारे में। इससे पहले भी हमने स्टैंड ट्रेनिंग के बारे में काफी आपको बताया है और आपका उसका बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है वो उन एडवांस एथलीटों के लिए हैं जो एथलीट काफ़ी एडवांस हैं, यानी कि पहले से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे रहे हैं। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी ये कि सर वेट ट्रेनिंग पर कुछ वीडियो बनाइए, तो आज हमने वेट ट्रेनिंग पर वीडियो बनाई है जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन याद रहे कि वेट ट्रेनिंग एक ऐसी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है जिसमें इंजुरी के चांसेस भी होते हैं। कैसे? जब हम अपनी औकात से ज्यादा या बॉडी कैपेसिटी ना हो, कैपेसिटी से ज्यादा अगर वेट उठाते हैं तो बॉडी में इंजरी के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ये बताना चाहेंगे जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या वेट की एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा, तो वेट उतना ही उठाएं जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी हो, उससे ज्यादा ना उठाएं, क्योंकि वेट जितना अच्छा होता है उतना ही डेंजर भी होता है। और कभी भी जब हम इसको झटका मारते हैं तो झटके से इस रेस को ना उठाएं। झटके से जब हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो बैक जा सकती है या बैक खींच सकती है, आपकी डिस्क खिल सकती है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आप बी केयरफुल, वेट ट्रेनिंग करते समय अपने आप को सावधान रखें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा माई डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टार्टिंग करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, तो उसको स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि फिर आप कमेंट में पूछते हैं कि कोच साहब हमारी समझ में नहीं आया। तो समझ में इसलिए नहीं आता कि आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, वो केवल इसलिए कि आपकी जब समझ में आ जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं। और सिद्धांत भी यही कहता है, अगर आपको अच्छी तरह में समझा रहे हैं, हम सक्षम होते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस जो आप चाहते हैं वो आ जाता है। अन्यथा जब आप थोड़ा शॉर्टकट करके आगे जाते हैं तो शॉर्टकट का इस्तेमाल अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और प्रॉपर एक्सरसाइज तभी आप करेंगे तब हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, और समझने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी आएगा और आप गारंटी इस बात की आपकी इंजुरी नहीं होगी। जो स्ट्रेंथ आप बॉडी को देना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब पक्का करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे भेजें जो आपके फ्रेंड्स हैं और इंतजार कर रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है उन तक इसको पहुँचाएँ। अब दूसरा विषय आता है कि जो गांव के एथलीट्स हैं वो इनको कैसे करें, क्योंकि उनके पास हम वेट ट्रेनिंग की सुविधा नहीं। जो इस एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ के आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप थोड़ी देर में देखेंगे, आप देखें और करें। लेकिन याद रखें कि ये एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, या तो आपका टाइम 15 से 20 सेकंड रख सकते हैं, या आप इसकी रिपीटेशन गिनती कर सकते हैं, जैसे कि आप 15 का एक सेट लगा सकते हैं, रिपीटेशन एक 15 का, उसके बाद रिकवरी 10 से 15 सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट फिर 15 से 20 सेकंड, इस तरह से आप कर सकते हैं, करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी है हर एक्सरसाइज को कि आप उसको मिनट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे एक एक्सरसाइज को आप 15 से 20 सेकंड कर सकते हैं, 10 सेकंड की रिकवरी ले सकते हैं, या बीच में एक छोटी सी स्ट्राइड लगा सकते हैं जिससे कि आप उस मोमेंट में रहें, स्ट्रेंथ भी मिलती रहे और स्पीड भी साथ साथ होती रहे। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट चांसेस है। तो दोनों तरीके आपके सामने, जो आपको पसंद आता है आप वो करिए, और हम जो एक्सरसाइज देंगे आप देखेंगे वो बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके लिए वेरी फिटेड है। ओके, चलिए एक्सरसाइज पर।
चल। स्टार्ट। इस एक्सरसाइज को आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज आपके थाई में पावर लाने का बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इसी तरीके से करेंगे आप जिस तरह से मेरा कंडीशनर आपको दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आपकी थाई की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और स्ट्रेंथ होगी तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और स्पीड भी आपकी इंक्रीज होगी, इसलिए अच्छा है। जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपकी जो थाई की जो बोलते हैं कि हमारे स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी फास्ट नहीं हो रही हैं, बिल्कुल ये करने से आपकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी फास्ट होंगी। यह एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं थोड़ा नीचे जाओ और थोड़ा नीचे थाई और बैक के लिए स्ट्रेंथ आती है और स्पीड अभी ठीक है होती है। वेरी गुड। आशा करता हूँ कि मेरी बताई गई टिप्स जो मैंने आपको बताया है वो आपके परफॉर्मेंस में अहम रोल अदा करेंगे, और जब आप उसको तरीके से करेंगे तो आपका बॉडी का तरीका भी बदलेगा, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। और इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच आपसे विदा लेता हूँ, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊँगा जैसे भी आपकी डिमांड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड लक।